बड़वानी जिले के सहंदवा तहसील से लगभग 12 दिन पहले लापता हुई रमकू नावड़े जो कक्षा 12वीं की छात्रा है, आज लापता छात्रा की शिकायत को 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्राम झोपाली तहसील सेंधवा जिला बड़वानी ग्रामीण थाना सेंधवा पुलिस आज दिनांक तक लापता आदिवासी छात्रा की शिकायत पर पुलिस आज तक कोई कार्यवाही नहीं करते नजर आ रही है, जिससे आदिवासी समाज का शोषण होते हुए नजर आ रहा है। अगर बहन को जल्द से जल्द पुलिस द्वारा ढूंढा नहीं गया तो आंदोलन करेगा, यह चेतावनी जयस आंदोलन आदिवासी संगठन ने दी है। पल्सो से जहरिया डुडवे की रिपोर्ट। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा लोधी नावड़े। क्या हुआ? मेरी छोरी 12 दिन से लापता है, 10-12 दिन हो गए समझ। अभी तक मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पुलिस वाले कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मेरी बच्ची को ना जाने किसी ने भगा के ले गई, वो भी पता नहीं चल रहा है, या कुछ घटना हो गई वो भी पता नहीं चल रहा है। थाने पे गए थे क्या? थाने पे गया था मैं। थाने पे रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, थाने पे रिपोर्ट लिखवाई हूँ। क्या बताया पुलिस वाले ने? पुलिस वाले बोले अभी देखते हैं, बोले जो भी आगे कार्रवाई होगी वो करेंगे बोले। और पुलिस वाले 2-4 दिन से छुट्टी पे था, कल भी गया था तो बोले ये नहीं करा। और फिर वो मुकेश नाम का लड़का था, वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा, बोले रिपोर्ट वापस निकाल ले बोले। अच्छा अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई और दूसरे का धमकी आ रही कि आपका जो रिपोर्ट है जो आपने दर्ज कराई है वो वापस ले लो। वापस ले लो। अच्छा अच्छा, लड़की मिली अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं, पता ही नहीं चला लड़की का, मैंने सब दूर छानबीन कर ली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राजगढ़ जिले में मंत्री सिलावट मिला।